अभी हम बात करेंगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग एग्जाम में आयोगों का क्वेश्चन आ ही रहा है और बच्चों से हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इसकी चार लाइनें पूछी जा रही है। तो हम पूरा विस्तार से एक-एक बात अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में आने वाली है। फालतू कचरा बिल्कुल इकट्ठा नहीं करना है। पॉलिटिकल में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अगर वो तथ्य आपको पता चल गए तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। चलो बात करते हैं राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की। देखो, ये पहले व्यवस्था नहीं थी, राज्य में कोई निर्वाचन आयोग नहीं था, ये केवल केंद्र में होता था। इसकी व्यवस्था तब हुई जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया। 73वां आया पंचायती राज के लिए और 74वां आया नगर पालिका के लिए। तो उन दोनों का चुनाव करवाने के लिए राज्य में निर्वाचन आयोग बनाया गया। तो देखो, इसकी शुरुआत करते हैं एक एक चीज से। इसका गठन, तो इसका गठन हुआ वो हुआ 73वां संविधान संशोधन से। 73वां संविधान संशोधन, तो 73वें संविधान संशोधन से इसका गठन हुआ, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992, 1992 में 73वां संविधान संशोधन था, के तहत क्या बनाया गया, पंचायती राज बनाया गया, पंचायती राज की संस्थाएं बनाई गई। इन पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया और इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इनके लिए भाग बनाया गया है, इनके लिए भाग बनाया गया, संस्थाओं हेतु भाग 9 बनाया गया। भाग 9 बनाया गया, उसमें बहुत सारे अनुच्छेद डाले गए। तो एक अनुच्छेद जो इससे रिलेटेड डाला गया, 243 अनुच्छेद इसके लिए थे, उनमें से इसके लिए डाला गया, उसका नाम था के, या मैं कहूं तो ट, हिंदी में कहूं तो ट। उसके तहत इसका गठन हुआ। तो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने के लिए इसका गठन हुआ, ये 73वें संविधान संशोधन में लिखा गया, और भाग 9 जो है पंचायती राज का उसमें लिखा गया, और इसके लिए एक अनुच्छेद बना दिया गया 243 के, उसमें लिख दिया गया कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको नाम दे दिया राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। चलो देखते हैं, इसके अलावा जो नगर पालिका थी उसके लिए भी बनाया गया, उसके चुनाव के लिए भी, उसके लिए भी संविधान संशोधन आया था। नगर पालिका को संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही उसको दर्जा मिला था। नगरीय संस्थाओं हेतु, नगरीय संस्थाओं हेतु भाग कौन सा जोड़ा गया था, भाग जोड़ा गया था 9 के जोड़ा गया था, और इसके लिए अलग से अनुच्छेद की व्यवस्था की गई कि नगर पालिका का चुनाव कौन कराएगा। तो 243 ZA के अंदर इसकी व्यवस्था की गई, ZA के अंदर इसकी व्यवस्थाएं की गई। उसके अलावा इसके लिए हिंदी में अगर बात करें तो जेड को ये से और ए के लिए क शब्द का प्रयोग के तहत इसकी स्थापना हुई। तो ध्यान रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग क्यों बनाया गया है। एग्जाम में इतनी गजब के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका केवल काम यह है कि यह नगर पालिका के चुनाव कराएगा, यह पंचायती राज के चुनाव कराएगा, इसके अलावा इसके किसी के चुनाव नहीं करवाएगा। ना इसका केंद्रीय निर्वाचन आयोग से कोई संबंध है। एग्जाम में आता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए कार्यों को यह संचालित करता है, नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है। ना उसकी कोई मतदाता सूची तैयार करवाएगा या कुछ भी तैयार नहीं करवाएगा, उसका इसका कोई लिंक नहीं है। इसका काम केवल पंचायती राज और नगर पालिका का चुनाव करवाना है। ये बात समझ लेना, फिर सत्य और असत्य के क्वेश्चन आएंगे और आप फंस जाओगे। 73वां और 74वां दोनों में इसकी व्यवस्था की गई, पंचायती राज के लिए और नगर पालिका के लिए। लेकिन देखो, नगर पालिका के लिए जो व्यवस्था की गई, इसमें कह दिया गया कि इसका वही होगा जो पंचायती राज का होगा, दोनों का एक ही आयोग होगा। व्यवस्थाएं दोनों के लिए अलग अलग, अनुच्छेद तो अलग अलग है, लेकिन निर्वाचन आयोग दोनों का एक है।
क्योंकि इसमें यह लिख दिया गया कि इसका निर्वाचन आयोग वही होगा जो पंचायती राज का होगा। अब देखो इसके लिए एक अनुच्छेद बना दिया गया ना, तो यह एक संवैधानिक संस्था हो गई है, यह एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद है, यह संविधान के तहत गठित हुई है, संवैधानिक आयोग है, ये एक संस्था है, आयोग है, संवैधानिक है क्योंकि इसके लिए अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के तहत इसका निर्माण हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पंचायती राज आयोग जो है, ये आयोग पंचायती राज के चुनाव करवाएगा, तो चुनाव करवाने से पहले गठन होगा इसका, तो इसका गठन हुआ था 1 जुलाई 1994 में चुनाव हुए थे, 94 में 1 जुलाई 1994 में इसका गठन हुआ। और इसका गठन जो हुआ था वो हमारे राजस्थान के अंदर कानून बना हुआ था, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बना था, और उस अधिनियम 1994 के तहत, तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमने इसका गठन कर दिया। अब इसकी संरचना की बात करते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, कि सत्य असत्य का क्वेश्चन था, और उसमें लिखा हुआ था कि यह बहुसदस्य आयोग है। नहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही सदस्य होता है, और यह एक सदस्यीय आयोग है, इसमें केवल एक ही सदस्य होता है, वो इसका अध्यक्ष होता है, एक सदस्य आयोग है भाई, एक सदस्यीय आयोग है। इसका जो प्रमुख होगा वो होगा राज्य निर्वाचन आयुक्त कहेंगे उसको, एक ही सदस्य है वो इसका अध्यक्ष है, तो निर्वाचन आयुक्त, ये एक सदस्य ही होता है। जैसे केंद्र के अंदर क्या होता है, केंद्र के अंदर 3 होते हैं निर्वाचन आयोग में, एक मुख्य और 2 अन्य, लेकिन यहां एक ही होता है। अब एग्जाम में सत्य सत्य में आ गया कि राज्य निर्वाचन आयोग बहुसदस्य आयोग है, जो कि गलत है, एक सदस्य ही है। अब बताओ नियुक्ति कौन करेगा? तो आपको पता है संवैधानिक आयोग है, तो हर संवैधानिक आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के नाम से होगी, राज्य के अंदर, केंद्र में वो राष्ट्रपति के नाम से होती है, तो इनकी नियुक्ति एक ही है, ये इस आयोग में एक ही सदस्य होता है, वही अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन करता है? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, या तो 5 साल का कार्यकाल हो या 65 वर्ष आयु, जो पहले हो, या तो व्यक्ति ने 5 साल का कार्यकाल कर लिया हो तो रिटायर हो जाएगा, या फिर 65 वर्ष आयु उसकी हो गई है, वो 62 का बना है 65 में, तो 3 साल में ही रिटायर हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी व्यवस्था है। अब इसको हटाया कैसे जाता है? हटाने की प्रक्रिया, इसको ऐसे नहीं हटा सकते, नहीं तो राज्य अपनी दादागिरी लगाने लग जाएगा, इसलिए इसको हटाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसको उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रकार हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। हाईकोर्ट का न्यायाधीश आपको पता है महाभियोग की प्रोसेस से हटता है, तो बिल्कुल इसको भी उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, और बाद में राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जाएगा। तो इसको हटाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, के न्यायाधीश के समान होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। इसको हटाता राष्ट्रपति है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता,
इसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, मतलब महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले इसको संसद से पारित करवाना पड़ता है महाभियोग को, फिर हटाएगा राष्ट्रपति। तो हटाने की प्रक्रिया, अब देखो कार्य क्या होता है, ये चीजें मैं आपको रिपीट करके हर चीज समझा दूंगा। कार्य आखिर ये हमने क्यों बनाया, अभी मैंने आपको बता दिया कि ये पंचायती राज के और नगरीय निकायों के चुनाव के लिए बनाया गया। तो पहला कार्य क्या हो गया, नंबर एक पंचायती राज व नगरीय निकायों के का चुनाव करवाता है, पहला काम। अब चुनाव संबंधी समस्त काम इसके होंगे, एक्स वाई जेड समस्त कार्य इसके होंगे, जैसे निर्वाचन नामावली, जो निर्वाचन वाली नामावली है वो तैयार करवाएगा, समस्त काम इसके हैं, वोटर लिस्ट वगैरह यही तैयार करवाएगा। आपको पता ना केंद्र की जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाती है वो केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है, उसकी वोटर लिस्ट और इसकी वोटर लिस्ट अलग होती है, इसका काम अलग है भाई, अलग है। उसकी वोटर लिस्ट में वार्ड थोड़ी होते हैं, इसमें तुमने देखा है पंचायती राज में अलग अलग वार्ड होंगे, नगर पालिका में अलग अलग वार्ड होंगे, तो सूचियां भी कैसी होगी, वार्ड के अनुसार होगी। नंबर दो निर्वाचन नामावली तैयार करवाना, नंबर तीन चुनाव चिन्ह वगैरह जितने भी काम हो सब इसी के हैं, चुनाव चिन्ह वगैरह है, चुनाव चिन्ह है आवंटित करना, तुम्हें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, तुम्हें तो एक लाइन में याद रखनी है कि इसका काम केवल और केवल यह है कि यह पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव कराता है, इसके अलावा इसको कोई दूसरे चुनावों से कोई मतलब नहीं है, इसको लोकसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, इसे विधानसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, इसे केंद्र के चुनाव आयोग से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। परिसीमन का कार्य करता है। परिसीमन क्या होता है, परिसीमन का मतलब है बाउंड्री बनाना, सीमा, परि यानी चारों ओर की सीमा, कि जैसे ये है एक शहर, इसकी है नगर पालिका, तो इसमें जो वार्ड होंगे कितने वार्ड होंगे और उनकी बाउंड्री क्या क्या होगी, कि ये इलाका मिलाकर ये वार्ड बनेगा, ये इलाका मिलाकर ये वार्ड बनेगा, ये 50 घर बना के इस रोड के इधर वाले ये बनेंगे, तो इस प्रकार इस बाउंड्री को चारों तरफ उस वार्ड का परिसीमन किसने किया है, तो राज्य के अंदर ये करेगा। तो इसका काम पंचायती राज और नगरीय निकायों के क्षेत्र का परिसीमन करना है, ठीक है, समझ लो ना, इसको विधानसभा का परिसीमन ये नहीं करेगा, वो तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है, तो इसका काम केवल राज्य तक ही है। तो परिसीमन करने का, बाउंड्री देखते हो ना आप, चेंज हो जाते हैं वार्ड, चेंज हो जाते हैं, तो वो काम इसका ही होता है। सेवा शर्तें देखो, सेवा शर्तें क्या है इनकी, तो इसका आयोग का जो अध्यक्ष होता है, आयोग का अध्यक्ष एक ही तो है, यहाँ तो एक ही सदस्य व्यवस्था है, वही अध्यक्ष है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं, तो उसकी क्या, उसको क्या सेवा शर्तें दी गई है, तो उसको कहा गया है कि जब तक वो काम करेगा तो उसके किसी भी प्रकार का जो वेतन वगैरह है उस वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती, उसका वेतन है वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होगा, ठीक है, और उसके वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती, उसके वेतन का निर्धारण राज्यपाल करेगा। ध्यान रखना, जनरली क्या होता है कि संवैधानिक पदों के वेतन का निर्धारण संसद करती है, बिल्कुल संसद करती है और वो लागू हो जाता है, इसमें संसद बनाएगी जरूर, ठीक है, संसद केवल कानून बनाएगी उससे रिलेटेड कि उसका वेतन शर्तें क्या होगी, ठीक है, तो राज्यपाल उसका निर्धारण करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को समझना। अभी देखो जब ये काम कर रहा है इसकी पदावधि के दौरान,
इसकी पदावधि कितनी होगी, कितने वर्ष की होगी, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसकी सेवा शर्तें क्या होगी, इसकी सेवा शर्तें क्या होगी, इसका वेतन कितना होगा, वेतन कितना होगा, इसका भत्ता कितना होगा, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते का निर्धारण अच्छी तरह से याद कर लेना। का निर्धारण आपसे पूछा जाएगा कि कौन करती है, विधानमंडल करती है कि राज्यपाल, तब राज्यपाल ही बताना है, राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो विधानमंडल है, विधानसभा है, अपने तो विधानसभा ही चलती है विधानमंडल में, नहीं तो दो सदन होते हैं इसके अंदर, उसमें उसने जो नियम बना रखे हैं, जो कायदे बना रखे हैं, उसके अनुसार होगा। जो विधानमंडल के अधिनियम के तहत होंगे, जो उसमें एक्ट चल रहा है, जो वो कानून बनाती है उसके तहत ही होगा, लेकिन निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। नंबर दो, इसका वेतन है वो मैं बता चुका हूं किसके बराबर होता है, इसका वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, इसका वेतन उच्च न्यायालय के, मुख्य नहीं है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। और इसमें कोई चेंजेज नहीं किया जा सकता है भाई, नहीं तो धमका दोगे हमारे इस आदमी को, जिताओ इसको, जिताओ नहीं तो वेतन कम कर देंगे। नहीं, इसका कार्यकाल के दौरान आप इसका वेतन कम नहीं कर सकते, कटौती नहीं कर सकते इसकी किसी भी प्रकार की सेवा शर्तों में, वेतन भत्ते किसी में भी। तो पदावधि के दौरान, पदावधि यानी कार्यकाल के दौरान जब इसका कार्यकाल चल रहा है, तो उस दौरान आप इसके निर्वाचन आयुक्त के, यहां तो एक ही है अपने, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में अलाभकारी, नुकसान पहुंचाने वाला, कम करने वाला, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। बढ़ा तो सकते हो, घटा नहीं सकते हो, परिवर्तन नहीं कर सकते। देखो, इसको हटाने की प्रक्रिया भी जटिल बनाई गई है, इसको ऐसे नहीं हटा सकते, इसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटा सकते हैं, जो हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है उसके समान रखी गई है, तो ताकि इस पे दबाव नहीं बने, नहीं तो लोग कहेंगे उसका सपोर्ट ले, उसका सपोर्ट ले, सरकार कहेगी मान लो जिसकी सरकार है वही अपने लोगों को जिताना चाहेगी, तो इसके लिए उस पर कोई दबाव नहीं बना सकता है, इसलिए उसको हटाने की भी जटिल प्रक्रिया रखी गई है ताकि वो तनाव में न रहे। दूसरा, उसका वेतन भत्ते भी आप कम नहीं कर सकते हो, तो पूरा एक तरह से स्वतंत्र बॉडी है ये निर्वाचन आयोग, एकदम पूरी स्वतंत्र होकर ये काम करती है, तो इसमें कोई, इसके वेतन में बीच में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। चलो आगे, अब हम बात करते हैं इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, इस चीज को समझो आप अच्छी तरह से। अच्छा क्वेश्चन आता है, अभी तक लोगों को इसकी संरचना के बारे में भी नहीं पता है कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो अगर इसकी संरचना को हम समझे तो सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, इसका सबसे बड़ा पद होता है वो अभी मैंने बताया था, राज्य निर्वाचन आयुक्त, एक सदस्य ही तो है, यही सबसे बड़ा पद होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त ही इसका सबसे बड़ा पद होता है। तो इसके नीचे कौन होता है भाई, इसके नीचे इसको दिया हुआ है एक सचिव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक सचिव दिया गया है जो होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इसे सचिव कहते हैं, क्या कहते हैं, सचिव। ठीक है, आपसे पूछे ना कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव कौन होता है, अध्यक्ष तो ये हो गया भाई, अध्यक्ष तो ये हो गया, इसका सचिव कौन होता है,
तो निर्वाचन आयोग के अंदर भाई कर्मचारी भी तो होंगे ना, सरकारी कर्मचारी। ये सरकारी कर्मचारी होता है, ये जो सरकारी कर्मचारी है ये आईएएस होता है, आईएएस है ये, ठीक है। और इसकी नियुक्ति है जो, इसकी नियुक्ति वो ऐसे नहीं होती है, इसकी नियुक्ति में केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं रोल होता है। जो देश का मुख्य निर्वाचन आयोग है वो राज्य सरकार उसको एक कुछ लोगों का नाम भेजती है, उस पैनल में से सुझाव देती है ये, ठीक है। नाम तो इसके लिए राज्य सरकार भेजती है कि हम इन इन आईएएसों को बनाना चाहते हैं। तो जो मुख्य निर्वाचन आयोग है देश का, वो बिल्कुल पैनल में से सुझाव लेती है। तो जो देश का केंद्रीय या राष्ट्रीय केंद्रीय चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग है, आयोग राज्य द्वारा भेजे गए पैनल में से, पैनल में से इसकी नियुक्ति करती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र के निर्वाचन आयोग का रोल होता है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं होता। नहीं होता, ठीक है, इसका काम केवल ये है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस आदमी का रोल रहता है, ये तो आईएएस अधिकारी है भाई, ये तो आईएएस अधिकारी इसमें काम कर रहा है, इसका रोल है ना उसमें भी रहता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग में भी, ठीक है। तो उसके लिए कौन काम करता है भाई? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अब आ गया चुनाव, संसद का चुनाव आ गया, लोकसभा का, तो फिर ये काम करेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस अधिकारी है। तो आईएएस अधिकारी है तो जैसे कलेक्टर है, अब कलेक्टर तो दोनों ही चुनाव करवाएगा, आप संसद का करवा लो चाहे पंचायती राज का करवा लो, वो दोनों के अंदर ही जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में रहेगा, ठीक है। देखो अभी बात करता हूं, अभी आपको समझाता हूं मैं। इसके नीचे जो पोस्ट होती है, जैसे कई पोस्टें होती है, जैसे उप सचिव वगैरह इसमें होता है, उप सचिव ये आरएस रैंक का लगभग होता है, ठीक है, सीनियर आईएएस आरएस रैंक का होता है, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है, आईएएस भी हो सकता है वहां पर, वहां बॉडी में बैठता है ये, ठीक है। ये जो निर्वाचन आयोग है जयपुर के अंदर इसका ऑफिस है, वहां बैठता है, ठीक है। अब अगर अपन और इसके नीचे ले जाना चाहें इसको, तो फिर अगर अपन देखें तो जिला में जिला कलेक्टर होता है, ठीक है, जिला कलेक्टर जो होता है, जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी भी कहलाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी। अब ये तो दोनों में ही काम करता है भाई, ये तो आईएएस अधिकारी है, कलेक्टर है, ये तो केंद्रीय चुनाव आयोग कहेगा तब भी चुनाव उनाव करवाएगा, ये कहेगा तो ये भी करेगा। लेकिन दोनों चुनाव आयोगों का संबंध नहीं होता, कर्मचारियों का जरूर संबंध होता है, ठीक है, समझे मेरी बात को। क्योंकि यही होना है, कलेक्टर ही होना है जिले में। उसके नीचे जो अगर अपन बात करें तो होता है आरओ, रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी आरओ, रिटर्निंग अधिकारी। देखो जो आरओ होता है ना, रिटर्निंग अधिकारी, तो रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी जो आरओ होता है ना, आरओ एसडीएम भी हो सकता है, ठीक है, नीचे। और उसके नीचे होता है, ये होता है बीएलओ, बूथ लेवल अधिकारी या ऑफिसर। बीएलओ जो आप गांव में देखते हो, नामांक जो निर्वाचन में नामावली है, वोटर लिस्ट है, वो तैयार करवाता है, ठीक है, विशेषकर अध्यापक को ही बनाया जाता है, जनरली आप देखते हो बूथ लेवल अधिकारी, बीएलओ कहते हैं उसको। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। तो बीएलओ सबके लिए होगा, ये राज्य वालों के लिए भी होगा, केंद्र वालों के लिए भी काम करेगा, ये सबके लिए होगा, ये सबके लिए होगा, ये सबके लिए। लेकिन ये अलग चीज है, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, बाकी ये दोनों के लिए कॉमन होता है। अब इसका ये सचिव होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इसका सचिव पोस्ट होती है इसके पास में। किसकी सचिव पोस्ट होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की, ठीक
नीचे काम करता है ये, आयोग का ये सचिव होता है। तो ये पोस्टें आपको ध्यान में रखनी है। वापस समझ लो संरचना को अच्छी तरह से कि सबसे बड़ा होता है राज्य निर्वाचन आयोग, ये इसका अध्यक्ष होता है। इसके नीचे एक आईएएस अधिकारी होता है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है, आईएएस होता है। ये सचिव भी होता है इसका, आयोग का, जो अपन राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं। इसकी नियुक्ति देश का केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य द्वारा भेजे गए पैनल में से करता है। उप सचिव होता है जो वहां पर आयोग में होता है। फिर अपन आ जाते हैं यहां पर, तो जिले में जिला कलेक्टर होता है, उसके नीचे रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम वगैरह होते हैं, और फिर बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ होता है। ये चुनाव में काम करने वाली बॉडी है। अब देखो हम बात करते हैं कि आज तक कितने निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं, कार्यकाल कितना है, आयुक्तों के क्या-क्या नाम रहे हैं। एक ही रहा है, अपने सिंगल बॉडी रही है, यानी कि अपने निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य रहा है, वही अध्यक्ष ही रहा है। तो आज तक जो बन चुके हैं वो देखते हैं। तो आज तक देखो निर्वाचन आयोग कितने बन चुके हैं, आज तक कितने निर्वाचन आयोग बन चुके हैं, उनका कार्यकाल क्या रहा है, उनका कार्यकाल क्या रहा है, और जो निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं राज्य में, निर्वाचन आयुक्त वो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन से हैं। ये लिस्ट में से क्वेश्चन आता है मेरिट बनाने वाला, क्रम पूछ लेते हैं तो महिला पूछ लेते हैं, पुरुष पूछ लेते हैं, तो ये पूरे याद होने चाहिए आपको। तो देखो आज तक कितने निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। चलो देखो सभी ध्यान से, पहला, दूसरा निर्वाचन आयोग, तीसरा, चौथा, पांचवा। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, लेकिन 65 वर्ष आयु भी इसमें कंडीशन डाली गई है। तो यह छठा, सातवां, ठीक है। तो इसमें 5 से अधिक बन चुके हैं, 7 वर्तमान तक बन चुके हैं। अब इसका कार्यकाल की बात करें तो पहला, क्योंकि 94 में बनाना पड़ा ना पहला, 94 में क्यों बनाना पड़ा पहला, 94 में इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि 94 में 95 में तो चुनाव करवाने थे, ठीक है। तो 94 में करवाना पड़ा, लगभग 2005 साल का रहा है लगभग, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल अतिरिक्त कार्यकाल इनका बढ़ाया गया 2000, 2000 और 2002 तक। दूसरा वाला इतना ही रहा, कोई ज्यादा टाइम नहीं रहा, 2 साल रहे। फिर अगला वाला वापस लगभग 5 साल रहा, 2002 से 2007। बीच वाले में थोड़ा सा लफड़ा है, इसमें थोड़ा सा कार्यकाल बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा, फिर उसके बाद में लगभग 2008 से, क्योंकि कई बार ये पोस्टें खाली रहती है, जब चुनाव नजदीक नहीं होना तो पोस्टें खाली भी रहती हैं। तो 2008 से 2013 तक चौथा रहा, और 2013 से 2017 तक लगभग 5-5 साल रहे हैं। ये 2 साल ही रहा है दूसरा, ठीक है, बाकी लगभग रहे हैं। ये 2017 से जो है 2022 तक, और अभी 2022 से वर्तमान तक चल रहा है, ठीक है। और कोई नया आए तो नया देख लेना, एग्जैक्ट नया हो तो वो सर्च जरूर गूगल पे कर लेना, क्लास लेने के साथ ही कर लिया करो, ठीक है। पहले में है अमर सिंह राठौड़, कौन है अमर सिंह राठौड़, ये पहले हैं। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि पहला राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, अमर सिंह राठौड़ है। दूसरा कौन था, नेकराम बसीन, दूसरा कौन था, नेकराम बसीन था। तीसरा कौन था, इंद्रजीत खन्ना था, इंद्रजीत खन्ना। तीसरा था इंद्रजीत खन्ना। चौथा कौन था, अशोक कुमार पांड्या। ये सब नाम याद रखने आपको, क्रम आ जाता है। आजकल क्वेश्चन बहुत जटिल दिए जा रहे हैं भाई,
तो जितना बता रहा हूं उसको अच्छी तरह से। हाँ इनके देखो, मैंने आपकी बहुत बचत करा दी है, आपका बिल्कुल कचरा है ना वो बिल्कुल हटा दिया है। देखो एग्जाम में सिलेक्शन का मूल आधार यही है, सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको कचरा हटाना पड़ेगा 70%। जो आप अपने इस मेरे नोट्स में कोई भी एक लाइन नहीं लिखेगा बाहर की, कुछ भी नहीं लिखना है, वो मैंने हटाए हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। 70% तो हटाना होता है, एग्जाम में आएगा क्या, इस चीज को समझो। ये कोई मनोरंजन की क्लासें नहीं है, आपके जीवन से जुड़ी हुई क्लासें हैं, इनके महत्व को स्वीकार कर लो तुम। तो अशोक कुमार पांड्या चौथे के रहे, पांचवे के रहे राम लुभाया, राम लुभाया, राम लुभाया पांचवे के रहे। छठे के रहे प्रेम सिंह मेहरा, प्रेम सिंह मेहरा और मधुकुर, अभी वर्तमान में मधुकर गुप्ता। ठीक है, तो वर्तमान के अंदर सात आ गए हैं और मधुकुर गुप्ता तक चल रहे हैं। उसके अलावा आप करण का भी देख सकते हो, तो अभी ये है, कभी ऐसा हो तो बाद में आप जरूर इसको देख लेना। ठीक है, हमेशा ऐसी स्थितियां रहती है कि करंट का चेंज हो जाता है, जब मेरी क्लास लो और उसके बाद में चेंज हो गया तो जरूर देख लेना आप। ठीक है, अभी तक ये स्थितियां रही है, चेंज इनको हटा नहीं सकते, तब आप देख रहे हो कि बीच में कोई दूसरा नहीं आता। हटा इसलिए नहीं सकते इनको, क्योंकि हटा इसलिए नहीं सकते क्योंकि हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, महाभियोग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो कि संभव नहीं है। तो पहले में पहले सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था, अमर सिंह राठौड़। सबसे लंबा कार्यकाल भी किनका रहा है, अमर सिंह राठौड़ का, आपको यहां से ही पता चल रहा है। तो सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सबसे कम किसका रहा है, तो सबसे कम रहा है कार्यकाल, वो रहा है नेकराम भसीन का रहा है। फिर इंद्रजीत खन्ना है, अशोक कुमार पांड्या है, राम लुबाया है, प्रेम सिंह मेहरा है और मधुकर गुप्ता है। तो ये आपको आयुक्तों के नाम पता होने चाहिए। इसके लिए देखो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि कौन से हैं, तो इसके लिए ट्रिक याद कर लो तो अपन को थोड़ा सा आराम हो जाता है कि भाई अपन याद कर लें ट्रिक से तो पूरा अच्छी तरह से याद हो जाए। तो देखो अमर, अमर से अमर सिंह राठौड़, अमर ने से क्या हो गया, नेकराम बसीन, अमर ने इंद्र, क्या हो गया इंद्र, इंद्र से इंद्रजीत हो गया। तो अमर ने इंद्र को, अशोक राम प्रेम से, अमर ने इंद्र को अशोक राम प्रेम से मधु दिया, मधु दिया। ठीक है, मधु यानी शहद होता है। तो अमर ने इंद्र को, तो अमर का मतलब अमर सिंह, ने का मतलब नेकराम, इंद्र यानी इंद्रजीत, अशोक राम, अशोक राम को प्रेम से मधु दिया। तो कैसे भी करके याद करना है इसको, किसने, अमर ने, तो अमर का अमर सिंह, ने का नेकराम, इंद्र को, ठीक है, तो आपको इंद्रजीत याद हो जाएगा, अशोक राम, तो अशोक और राम याद हो गया, प्रेम से प्रेम सिंह याद हो गया और मधु दिया। तो किसने दिया, अमर ने दिया इंद्र को, अशोक राम को और को, और अशोक राम को प्रेम से, एक तो इंद्र को दिया और एक अशोक राम को, अमर ने इंद्र को और अशोक राम को प्रेम से मधु दिया। याद करना ही करना है, बार बार रिवीजन करना है, अमर ने इंद्र को और अशोक राम को प्रेम से मधु दिया। ठीक है,
ये पूरे थोड़े थोड़े नाम याद रखने, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा है कि इस प्रकार का आ जाएगा कि आपको बड़ा कंफ्यूज कर देगा। तो अपन पूरा नाम ही लो, ट्रिक में पूरा नाम ही लो, ताकि अपन को दिक्कतों का सामना कम करना पड़े। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसको समझा देता हूँ ढंग से। चलो देखो सभी, ज्यादा अपन ने लिया नहीं है, लेकिन जो लिया है काम का, इसके अलावा मत पढ़ना। अगर सिलेक्शन चाहिए नौकरी और ज्ञानी बनना है तो कोई काम की नहीं है मेरी क्लासें। ज्ञानी बन जाओगे आप और सिलेक्शन नहीं होगा दूर दूर तक। इतने बड़ा सिलेबस होता है, आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है, ज्योग्राफी, करण जी के, आपके अपने सब्जेक्ट। तो स्थितियों को समझो और सिलेक्शन ले लो चालाकी के साथ में और मेरे साथ में। चलो देखो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, ये पहले नहीं हुआ करता था। ये तो जब पंचायती राज और नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा मिला उसके बाद ही बना है। तो इसका गठन हुआ 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में, जब पंचायती राज संस्था आई उनके लिए भाग 9 बना था, उसमें इनके लिए अनुच्छेद 243 के या टे के तहत बनाया। ध्यान रखना, ये निर्वाचन आयोग जो बना है वो कौन से एक्ट के तहत बना है? 243 के तहत। और यही 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं के लिए भी व्यवस्था की गई कि निर्वाचन आयोग होगा, और उनके लिए भी अनुच्छेद बता दिया, लेकिन कह दिया गया कि दोनों के लिए एक ही होगा। इसमें कह दिया गया कि आपका वही होगा जो पंचायती राज का है, वही निर्वाचन आयोग आपका होगा। तो रियल तो इनका यही हुआ, ये भी कहा गया है दोनों का सेम है। यह एक संवैधानिक संस्था है कि दोनों के लिए अनुच्छेद, दोनों में अनुच्छेद बना हुआ है। तो यह मेन है, संवैधानिक संस्था है क्योंकि संविधान में इसका अनुच्छेद बताया गया। गठन का स्थापना 1 जुलाई 1994 में हुई, डेट याद रखना 1 जुलाई 1994 में। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में लागू हुआ, उसके तहत इसकी स्थापना हुई। संरचना एक सदस्य आयोग है, एक ही सदस्य होता है जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, ये इसका अध्यक्ष है, ये इसका सदस्य है। नियुक्ति राज्यपाल, क्योंकि संवैधानिक है तो संवैधानिक नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो, ध्यान रखना। जैसे आपने पढ़ा था राजस्थान राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग तो 5 साल के लिए गठित होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 5 साल या 65 वर्ष आयु जो पहले हो। हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है भाइयों, वित्त आयोग वालों को कितने आसानी से हटा सकते थे, मंत्रिपरिषद सिफारिश कर दे, मंत्रिपरिषद ने कह दिया कि हटाओ तो हटा दिया जाएगा। तो आपको पता है राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग दोनों संविधान के 73वें और 74वें के तहत बने हैं। ठीक है, दोनों आयोग पहले थे ही नहीं, जब पंचायती राज और नगर पालिका बनी तब बने दोनों के दोनों। तो 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो, हटाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है इसकी, क्योंकि ऐसे तो फिर दबाव में ले लेंगे निर्वाचन आयोग को। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, ये पूछेंगे कैसी प्रक्रिया है, उच्च न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया, हटाया राष्ट्रपति द्वारा जाएगा। तो उसके समान प्रक्रिया का मतलब होता है महायोग, अभियोग जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कार्य क्या है, पंचायती राज व नगर पालिका या नगरीय निकायों का चुनाव करवाना, उनकी निर्वाचन नामावलियां तैयार करवाना, वोटर लिस्टें, चुनाव चिन्ह वगैरह आवंटित करना, परिसीमन करना, बाउंड्री, ये नगर पालिका कितनी होगी, इसका एरिया कितना होगा, ये नगर परिषद कितनी होगी, इसके वार्डों के बाउंड्री कौन कौन सी होगी, कौन कौन से घर कौन से वार्ड में आएंगे, ये परिसीमन इसका काम है। ध्यान रखना, इसका ना केंद्रीय निर्वाचन आयोग से इसका कोई लिंक नहीं है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सेवा शर्तें देखो, सेवा शर्तें यही है कि इसकी जो पदावधि है, इसकी सेवा शर्तें, इसका वेतन भत्ते का निर्धारण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधा क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, कि जो राज्य में निर्वाचन आयुक्त होता है उसके वेतन का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है, विधानमंडल के अधिनियम के तहत, उसने जो एक्ट बना रखा है उस एक्ट के तहत। इसका वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। वेतन भी देखो क्या कर रखा है, कि हाई कोर्ट का जो जज होगा उसके बराबर होगा इसका वेतन, ये अन्य जजों की बात करता है।
जब केवल जज नहीं तो मुख्य लिख देगा तो मुख्य ही होगा, न्यायाधीश लिख दिया इसका मतलब बाकी अन्यों के बराबर होगा। पदावधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक ही होता है यहाँ पे, तो एक ही होता है, तो इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको मैं आयुक्त तो एक ही होता है, ठीक है, तो इसकी सेवा शर्तों में कोई भी आप अलाभकारी यानी कम वगैरह आप इसको नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है, इसके वेतन का निर्धारण, इसके भत्ते वगैरह सब राज्यपाल निर्धारित करता है, इसका पेमेंट हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है, और ये जब ये काम कर रहा है तो इसके पेमेंट में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती है। इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना ऐसी होती है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त वो तो होता है अध्यक्ष, आयोग का वही होगा अध्यक्ष। तो इसके अलावा इसको सहायता के लिए एक आईएएस अधिकारी दिया होता है जो सचिव होता है। आपको पता है सबकी सहायता के लिए होता है, मंत्री जी है, कृषि मंत्री है तो कृषि मंत्री जी की सहायता के लिए कौन होगा? कृषि सचिव होगा। वित्त मंत्री है तो उसकी सहायता के लिए वित्त सचिव होगा। तो इसकी सहायता के लिए भी एक सचिव की व्यवस्था की गई है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ध्यान रखना सचिव, ये एक आईएएस होता है। इसकी नियुक्ति देश का केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य द्वारा भेजे गए पैनल में से होगा, राज्य एक सुझाव पैनल भेजेगा उस सुझाव पैनल से होगा। इसके नीचे उप सचिव होगा जो आरएएस रैंक का होगा, ठीक है, और जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता ही है। इसके नीचे फिर रिटर्निंग अधिकारी होता है, रिटर्निंग अधिकारी, ठीक है, तो रिटर्निंग अधिकारी होता है। तो रिटर्निंग अधिकारी आरओ, आरओ रिटर्निंग अधिकारी, एसडीएम वगैरह भी होता है, और बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ कहलाता है। अब देखो एक से लेकर सात हो गए, ठीक है, और सातों में देख लो 94 से लेकर 2000 पहला रहा है, इसका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, और 5 साल से बाहर इसका कार्यकाल निकल गया है। इसका 2000 से 2002 इसका सबसे कम रहा है नेकराम का। नेक आदमियों को वैसे ही काम करने कम दिया जाता है, ऐसे याद रख सकते हो, नेक आदमियों को लोग काम करने नहीं देते, ये अपनी ट्रिक काम आ जाएगी। तो नेक आदमी था तो 2 ही साल काम किया। 2 से 7 इंद्रजीत खन्ना, 8 से 13 अशोक कुमार पांड्या, 13 से 18 राम लुभाया, 17 से 22 प्रेम सिंह मेहरा, और वर्तमान में है मधुकर गुप्ता। तो वर्तमान के अंदर है, तो इसकी ट्रिक कैसे बना ली हमने कि अमर ने इंद्र को दिया, अमर ने किसको दिया, एक तो इंद्र को दिया, एक अशोक राम को दिया, इंद्र को, अशोक को और राम को, इन तीन जनों को क्या दिया? प्रेम से मधु दिया। क्या दिया? प्रेम से मधु दिया। बस इस प्रकार आप थोड़ा सा इसको याद कर सकते हो, अशोक राम को अशोक लिख लो या राम को लिख लो, इस प्रकार लिख लो चाहिए, ठीक है। अमर ने इंद्र को, अशोक को, राम को प्रेम से मधु दिया। ये अपनी क्लास हो गई, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें बढ़िया तरीके से, धन्यवाद सभी का। और इस चीज को नोट कर लें, बड़ा आप मुझे याद करोगे फिर कि सर वास्तव में आप कहते थे आपके सिलेक्शन क्यों हुआ इस प्रकार, इतने सिलेक्शन आपने क्यों दिए, आपका खुद का इतनी बार क्यों हुआ, क्योंकि सटीक पढ़ोगे निश्चित रूप से आपको भी फायदा होने वाला है। धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक।